सर्वकलां सम्राट दुलते रखो प्रभु नानक दे कर हाथे ज्ञान अंजन बंदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश श्री वाहे गुरु जी हुक्मी होवन आकार हुक्म रखे हर जाए हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्म जे गुजरे ता हमें कदे न कोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कालयुग साध सिंह जी सतगुरु नानक देव जी महाराज की रचना सिख धर्म का उपनिषद जप जी साहिब ते विचार चल रही है। पहली पौड़ी ते विचार करते हैं असी सतगुरु जी के इस उपदेश में सुनिया सी कि हुक्म रजाई चलना नानक दिखया ना कि उस प्रभु नू मिलन लई उस सच नाल जुड़न लई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि हुक्म शब्द के अर्थ ऑर्डर कोई भी प्रबंध जड़ा है कोई भी राज है कोई भी देश है वो ताई चलता है जी एक हुक्म एक ऑर्डर एक कानून वो उत्ते लागू हो और उस कानून दिया उस हुक्म दिया हमेशा सीमावां विधियां होंदियां ने कि यह हुक्म ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ अकाल पुरख ने जिस तरीके का प्रबंध सारे संसार का बनाया
सारे जीवन का बनाया है, सारी सृष्टि का बनाया है, सारी बृहस्पति का बनाया है, वो सब हुक्मां तो उपर हुक्म है, तो उस तो उपर हो कोई हुक्म नहीं। महाराज जी कहते हैं कि सारा संसार उस प्रभु के हुक्म विच उहदे कानून अनुसार उहदे ऑर्डर अनुसार चल रहे हैं। हुक्मी होवन आकार, पहली गल तो यह है आकार। आकार का मतलब है फॉर्म्स, कोई मनुख की फॉर्म के विच है, कोई पशु की फॉर्म के विच है, कोई रुख पृथ्वी फॉर्म के विच है, यह सब आकार आकृतियां। महाराज जी कहते हैं कि जिन्हें भी आकार असं देखते हैं, जो कुछ भी असं जीव देखते हैं, यह सारे उहदे हुक्म नाल बने। हुक्मी होवन आकार, जे कोई कहे कि उहदे हुक्म तो बिना कोई चीज बनाई जा सकती, वो नहीं बन सकती। हुक्म न कहा चाई, असं देशों के विधान बनाते हैं, संविधान बनाते हैं और उसकी व्याख्या की होती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन दिया आर्टिकल्स ने डायमेंशन हैं, पर जो उस आधार का हुक्म है वो इतना विशाल है, इतना विस्तृत है कि महाराज जी कहते हैं कि असी उसका बयान नहीं कर सकते। उस निजाम का जो प्रबंध उसके हाथ में है, असी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, मनुख के विच इतनी समर्था नहीं। हुक्म न कहा जाई, हुक्मी हो मंजी। जितने जी संसार विच हुए ने, जितनी भी अस देखते हैं चार चुफेरे मनुख हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी पैदाश है, जो भी उत्पत्ति है, महाराज जी कहते हैं कि उहदे हुक्म नाल बणी, सब कुछ उहदे हुक्म नाल होया है। हुक्म मिले वडियाई, हुण संसार दे विच हर जीव जिहड़ा है उह इह चाहुंदा है कि उहनूं वड्डा रुतबा प्राप्त होवे, उहदी शोभा होवे, लोग उसको वड्डा मनन का सत्कार करन, पर सारे यह नसीब नहीं होता। कई नसीब होता है, कई नहीं होता। किसी को थोड़ी वड्याई मिलती है, किसी को वड्डी वड्याई मिल जाती है। तो महाराज कहते कि जो वड्याइया भी सानू मिलती ने, यह भी उसके हुक्म अनुसार मिलती ने, जो वह चाहता है उस अनुसार मनुख को जीवन के रुतबे हासिल। हुक्म मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच। संसार विच कई मनुख बड़े उच्चे ने, वधिया समझे जाते हैं, श्रेष्ठ समझे जाते हैं, उन्हां दा लोकी बड़े सत्कार करते हैं। कई इन्ने माड़े गिने जाते हैं कि उन्हां नूं लोक नफरत भी करते हैं। एक उत्तम है, दूजा नीच है, नीवा है। तो महाराज जी कहते हैं कि यह सब कुछ भी हुक्म के अनुसार ही होया है। जे किसी को शोभा मिली है, कोई वड्डा बनिया है, किसी ने सत्कार प्राप्त कर लिया है, वह भी हुक्म विच होया है। जिहड़ा नीवा रह गया है वह भी हुक्म विच हो रहा है। उहदे विच होर किसी ने ना उन्हें आप कुछ किया है, ना कोई होर कुछ करने वाला है। यह अकाल पुरख दे मर्जी के अनुसार हो रहा है। हुक्म लिख दुख सुख पाई है, उस अकाल पुरख ने अपने हुक्म दे विच अपनी मर्जी अनुसार जो लेख लिखा है उहदे अनुसार संसार दे विच जिहड़े जीव हन
दुख ते सुख प्राप्त करते हैं। कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी के दुख ज्यादा ने, किसी के सुख ज्यादा ने। यह जो कुछ भी प्राप्त होया है, दुख होया है चाहे सुख होया है, यह अकाल पुरख के हुक्म अनुसार जीव को मिले। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक ओहन जिन्हां नूं बख्शा मिलियां, दातां मिलियां। किसी नूं नाम की दात मिली है, किसी नूं सत्संग मिलिया है, किसी नूं सिमरन मिलिया है, किसी नूं होर पिछियां चीजां मिलियां। एक ना हुक्मी बख्शीस, मर कहते हैं कि वह बख्शिशा हुक्म के नाल मिली है। जो वाहगुरु ने चाहया उदों वह सत्संग में आया, जो अकाल पुरख की मर्जी हुई उदों उन्हें शुभ काम किए और दुनिया के सत्कार प्राप्त किया। बख्शिश हो गई है, बख्शिश भी हुक्म नाल हुई है, तो जिन्हां ते बख्शिश नहीं हुई। एक हुक्मी सदा भुमाई है, दूजे वो ने जेड़े हमेशा ही उस प्रभु के हुक्म अनुसार भौंदे फिरते हैं, जेड़े टिका नहीं हैं, जेड़े आवागमन के चक्कर पै रहे हैं। एक बख्शिश के नाल पार होते हैं, दुनिया भी पार करते हैं। एक वो ने जेड़े भटकते रहते हैं, लेकिन यह सब कुछ उसके हुक्म अनुसार हो रहा है। ये किसी मनुख का कोई रोल नहीं। अखिरलियां पंक्तियों के महाराज जी सारे हुक्म के सिद्धांत का तत् पेश कर रहे हैं। हुक्म है अंदर सबको, संसार की हर चीज जी है वह हुक्म है। प्रभु के हुक्म तो बिना पता भी नहीं कर सकता। समुद्रों के पानी उछलते हैं, वह भी हुक्म ने। तूफान आते हैं, वह भी उसके हुक्म ने। होर जिन्हें भी संसार के चीजा वापर रही ने, हो रही ने, वह भी उसके हुक्म ने। वन त्रिन जीव हर चीज प्रभु के हुक्म है। हुक्म अंदर सब को, सारे उसके हुक्म ने। बाहर हुक्म ना कोई, जिम्मे कोई बंदा कह दिता है कि मैं इस देश के कानून नहीं मनता, बागी हो जाता है, सरकार रिएक्शन लेंदिया ने। महाराज जी कहते अकाल पुरख का हुक्म है, उसके तो बाहर कोई नहीं हो सकता, उसके तो कोई बागी नहीं हो सकता। जो कोई बागी होने की कोशिश करता है वह पछताता है, क्योंकि हुक्म तो बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकती। बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझाए। नानक जी कह रहे हैं, सतगुरु जी सानू समझा रहे हैं कि जे सानू हुक्म की समझ आ जाए, जे असी सोच इस तरह सोचने लग पीए कि जो कुछ हो रहा है हुक्म विच हो रहा है, असी मनना है। गुरसिख नू पाणा मनन दा उपदेश है। दुख है तां भी, सुख है तां भी, मुश्किल है तां भी, उन्हूं हस के मनना है, क्योंकि प्रभु का हुक्म है। तुम्हारे कहते हैं कि जिस वेले यह समझ आ जाती है, यह चीज बंदा बुझ लगा है। नानक हुक्म जे बुझे, जो ये बुझ लवे हमें कहे न कोई। जिन्हों हुक्म की समझ आ जाती है उन्होंने चुप हौमे नहीं आ, हंकार नहीं आता, क्योंकि जोड़ा मनुख रब के हुक्म नहीं मनने लिए तैयार, वह हंकार वाले पास चला जाता है और अपने जीवन में अजाई गुआ लेंदा है। सतगुरु जी के उपदेश हैं, हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना बस एक ठाए। यह दोनों विपरीत चीजा हैं, हंकार फिर प्रभु का सिमरन, प्रभु का नाम। यह दोनों एक थान से नहीं बस सकते।
जिस वेले बंदा प्रभु के हुक्म नाल मन के उहदे नाम ते सिमरन नाल जुड़ जांदा है फिर उहदा होमे तो बचाव हो जांदा उहदा हंकार खत्म हो जांदा है ते जिस वेले उहदा हंकार खत्म हो गया हुक्म दी समझ आ गई तो उस सच्चाई दी अवस्था विच पहुंच जांदा है और उस सच दे नाल जुड़ जांदा है जो जीव दे जीवन दा आदर्श है। सतगुरु जी सतगुरु साढ़े ते मेहर करन जपजी साहब की जो दूजी पौड़ी है इहदे विच जिहड़ा हुक्म दा सिद्धांत है उह साढ़े जीवन दा आदर्श बन जाए। असी हर वेले अपने आप नूं प्रभु दे हुक्म विच मन के चलीए तां कि साडा जीवन चंगा ते सुखदाई बने और असी सतगुरु जी दी मुक्षा दे पात्र बणीए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। Oh,
Thank you.
Thank you.